जी हाँ, गोरखपुर का ये मामला है जिसे देखने के बाद हर कोई यही पूछेगा कि क्या यही यूपी पुलिस की खाकी का असली रंग है, जहां न्याय की दहलीज के भीतर एक फरियादी की गुहार की कीमत लगाई जाती है, नहीं देने पर अंजाम भुगतने का डर दिखाया जाता है, तो कहना गलत नहीं होगा कि वो कानून के रखवाले नहीं, दलाल खाकीधारी हैं। आप भी देखिए कानून के रखवालों की ये कलंक कथा। मर गई खाकी की मर्यादा जब कानून के रखवालों ने लगाई बोली, फरियादी के गुहार को किया अनसुना, न्याय की तहलीज पर लगती रही बोली, पुलिस की जेब गर्म करो वरना अपनी लाश बिछा दो, नाक रगड़ कर मर जाओगे, नहीं सुनी जाएगी तुम्हारी फरियाद। कानून के रखवालों की कलंक कथा। तो चलिए परत दर परत बेपर्दा किया जाए यूपी पुलिस के उन दावों को, जहां उत्तर प्रदेश के पुलिस ढिंडोरा पीट पीट कर ये दावा करती है कि अपराध मुक्त भय मुक्त सूबा ही उनकी पहली और आखिरी प्राथमिकता है, जनता के सरोकार ही सर्वोपरि है, वो मित्र पुलिस है और अपराधियों के लिए करारा जवाब। लेकिन खाकी की असलियत देखने के बाद आप भूल जाएंगे पुलिस की दलीलों को, क्योंकि खाकी खलनायक है, बिक चुकी है पैसों के आगे वर्दी के मान सम्मान सब कुछ दांव पर लगाती है। और ये हम नहीं, गोरखपुर के थाना सहजनवा की सच्चाई इस बात पर मुहर लगा रही है, जहां कानून के कारिंदों ने एक बेबस फरियादी भाई से उसकी बेबसी नहीं बल्कि उससे घूस लेने की जीतोड़ कोशिश में जुटे हैं। टोटल एक एक रुपया मैं इकट्ठा लेकर के आया हूँ, जितना मेरे पास हो सकता है, ज्यादा ज्यादा करवा चुका मैं। टोटल मैं एकदम घर में टोटल 39,500 रुपया मैं टोटल मैं जेब में लेकर आया हूँ भैया। देख भैया, अगर आप लोगों के खर्चे अगर हो जाए तो बहुत मेहरबानी आपका, जिंदगी भर आपका भैया। आपका टोटल 500 कम है 60,000 है भैया, जान ली भैया। कौन सी मजबूरी से मैं लाया हूँ, एक बार थोड़ा सा उसको ख्याल करिएगा कि मैं किस मजबूरी से लाया हूँ। 500 रुपया कम है भैया 60 में, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अभी तक आपने जो सुना उससे ये साफ हो गया कि गोरखपुर के थाना सहजनवाग में एक फरियादी अपने भाई की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रहा है और दलाल सिपाही वर्दी की मर्यादा को मिट्टी में मिला रहा है। अब जरा कहानी के सभी पात्रों से रूबरू हुआ जाए, जिससे कि खाकी के खलनायक बनने तक कहानी साफ हो जाएगी। एक दूसरे के साथ खड़े हुए ये दो भाई हैं, जिनमें एक है महेश सिंह और दूसरा उसका बड़ा भाई हनुमान सिंह, जो सीआरपीएफ में जवान है और छत्तीसगढ़ में तैनात, जो सिस्टम का मारा है। दूसरी तस्वीर में दो चेहरे, जिसमें सिपाही रणविजय यादव उर्फ महंत है और करीब खड़ा सिपाही शिव सिंह यादव है, और यही वो दोनों पात्र हैं जो दावा कर रहे कि ऊपर से नीचे तक सबकी जेब में मोटी रकम जाती है। तो कौन एहसान कर तो होगा, तो पहले ही बता दें कि 1 लाख रुपए एसपीआर लिए हैं तो नाम निकल लेंगे। कुछ आप समझ में आईबो ना करिए, 5 से 7 मिनट के अंदर तो देखा कैसे समझ में आवा था। अपाची देखिए लोल पे अभी कागज लोल पे लेते हैं ना, खेत बारी कहीं आदमी बनक रख के भाई को छुड़ाता है, जैसे जैसे भी रख दो ना कहीं बना। तो जाहिल राम इतना नहीं समझ में आ रहा है कि जिसके हाथ से गाड़ी बरामद हुई उसको छोड़ निकालने के लिए कैसे आदमी पत्थर पे कलेजा पत्थर रखा है। अब मीडिया कप्तान आईजी सब पूछेंगे इसको किस आधार पे निकाले। तुम्हारे जैसा जाहिल आदमी हिंदुस्तान में नहीं, हमारे जगह पर आप रहती भैया तो काहे को यहाँ रहे थे कि बचा लीजिएगा। घर से पहले तो यशो साहब को फोन कर देता ना, तो क्या यशो साहब कहाँ कहीं नहीं भैया, कहाँ कहाँ आता नहीं सब बताओ भैया। आप फोन आई पाई भैया कहाँ है, तुम हाथ जोड़ता कि आप एक बार जान ले हमारे पास, अब नहीं कहीं पाई भैया जान ले। बाइक चोरी के झूठे केस में भाई महेश को फंसाए जाने की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ में तैनात सीआरपीएफ के जवान हनुमान से रहा नहीं गया, तो उसने थाना सहजनवा में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई कि उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है। लेकिन भला पुलिस कहां मानने वाली थी, फरियादी फौजी भाई की मिन्नतें करने की नौबत आ गई। खाकी धारियों के आगे बेबस भाई गिड़गिड़ाता रहा,
अपने बेगुनाह भाई की रिहाई को लेकर मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसे तो दलाल खाकीधारी मरने की लाश की तरह निढाल होने की नसीहत दे रहे। एक चीज तुमको बता रहा हूँ, तो 1.5 लाख रुपए से 5 पैसा कम नहीं लगेगा। रो तुम चाहिए पूरा वो कर लो, अपनी लाश बिछा दो, समझ गए कि नहीं? जब जमा जेल जाएगा अभी 20 मिनट में, और कल पेपर में छपेगा तो देखा ना। कैसे का करा दे, का करा दे तो आप जहाँ तक हो पोलस भैया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवान भाई हनुमान ने कैमरा ऑन रखा हुआ था। वो जानता था कि वो सरहद पर देश की हिफाजत में मुस्तैद रहता है, लेकिन जिन सिपाहियों पर देश की जनता की जिम्मेदारी है, वो तो देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, वो सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जहां ना सिर्फ सिपाही बल्कि ऊपर से नीचे तक, चाहे वो एसओ ब्रिजेश कुमार यादव हो, चाहे जिले के एसपी ग्रामीण ब्रिजेश कुमार सिंह हो, सबका हिस्सा बराबर बटा हुआ है। किसके पास कितना जाएगा, ये सब ऑन कैमरा रिकॉर्ड होता रहा, लेकिन दलाल खाकीधारियों ने फरियादी फौजी की एक ना सुनी। अधिकारी हैं, अगर मान जाते हैं तो पूरा पूरा बता दें। अरे बात ठीक है, अगर आदमी को किसके पे गुस्सा आता है, बात सुना, जिसको बचाना होता है उसी पे गुस्सा आता है। हमारे गुस्सा आने क्या कारण था कि तू बच जा, तो हर भाई बच जा, बात समझ में आया कि नहीं? अधिकारी का जन्म लेना पड़ता है कोनों को अपने घर, 3 दिन से झूठे ही दौड़ रहा है, फिर समझ रहा था कि हम सिपाही 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 हो जाए। चलो भैया का मजबूरी मैंने कुछ नहीं होता है पुलिस में, तुमको पहले कल भी समझा दिए थे भाई, आप मांगते थे लेकिन आदमी ना समझ, आप खुद डिपार्टमेंटल आदमी, डिपार्टमेंटल में तुम जी रहे हो ना, तो मैं उसकी 2.5 साल से पहले जमानत करा लेना, और 5 लाख रुपया से कम लगेगा जमानत करा लेना तो बताना। 5 दिन से हवालात में बंद भाई को कैसे छुड़ाया जाता, बेगुनाह भाई को रिहा करने की कीमत तय हो चुकी थी। दलाल सिपाहियों ने खुलकर घूस लेने की मांग की थी, नहीं देने पर निर्दोष को गैंगस्टर और चरस के केस में फंसाने की धमकी दी थी कि अगर 1.5 लाख रुपयों का प्रबंध नहीं हुआ तो चाहे जान की कुर्बानी दे दो, कुछ नहीं हो पाएगा। एक भाई क्या करता, कहां से इतनी बड़ी रकम लाता। कहा तो ये भी गया था कि गहने बेचो, घर बेचो, जमीन बेचो, चाहे कहीं से ले आओ पैसे, लेकिन पैसे लेकर आओ। मरता क्या ना करता। एक भाई को अपने भाई की जान प्यारी थी, उसने पूरा बैंक बैलेंस खाली कर दिया। पैसों का प्रबंध हुआ तो सही, लेकिन पैसे क्या कम हुए, दलाल सिपाहियों ने पीड़ित फौजी भाई के मुंह पर पैसे उछाल दिए। क्या कहे थे, हम बताए थे सारी बात, अगर ये खाली ड्रामा है, ऐसे आदमी हमारा भाई तो फंसा था, हमें जो 4 लाख रुपया दिए थे भैया, अगर विश्वास फिर बता जा तू ना, तो क्यों बुलाओ था जबरदस्ती। अरे रण विजय भैया, आप का कहीं, अब ठीक है, कोनो बात नहीं है भैया, समय है, अब आदमी जब आपके नहीं विश्वास हो रहा तो कोई बात ही नहीं है भैया, आप हमें ही नहीं छोड़ दो, थोड़ी सा पहले मेरी बात, पहले अगर आप कहो भैया तो चली जाओ। 1.5 लाख रुपया अगर तुम्हारे पास व्यवस्था हो जाए, जो है और गेहूँ जाओ ना गेहूँ जमीन बेच बाच के कहूँ तो ले आ, वो दिन मुश्किल से 10 से 5 मिनट और नहीं हो रहा है तो बेल की तैयारी कर लो, हाईकोर्ट से नीचे बेल हो जाएगी तो बताना हमको। लेकिन वादे के मुताबिक जब पैसे मिले, 69,500 रुपयों की गिनने की बारी आई, तो दलाल सिपाहियों ने उतने से ही काम चलाने की बात कही। बंद कमरे में घुस के पैसे को गिना जाता रहा, फिर यह तय किया गया कि फौजी के भाई के साथ क्या करना है, लिहाजा भरोसा दिया गया कि फौजी तुम ड्यूटी ज्वाइन कर लो, तुम्हारा भाई छूट जाएगा। अब आप उस बेगुनाह की भी आप बीती सुनिए, जिसने सिस्टम के आगे हार मान ली थी, क्योंकि रिश्वत की रकम सबको बराबर पड़ती है। मुझे इस तरह से 5 दिन रखा गया, उसके बाद 5 दिन के बाद हमें जेल भेजने की बात कहने लगा साहब, जिसने गाड़ी चुराया था वो पकड़ाया और वो बोल दिया कि नहीं ये चोर नहीं है, उसके बाद भी ये सब कह रहे थे कि तुमको चरस अफीम में फंसा के भेज देंगे, नहीं तो इतना रुपए का व्यवस्था करवाओ। क्या सजनवा थाने का मामला है सर जी, 1 लाख रुपया वो बोल रहे थे किसी भी तरह हमको, इनको पैसा, एसओ साहब को पैसा देना है, और बड़े अधिकारी आए थे कोई, उनको भी पैसा देना है, मामला बहुत ऊपर तक पहुंच गया है और इतना पैसे का व्यवस्था करो। उच्च अधिकारियों से बात करी तो उच्च अधिकारियों से बात करने का मेरा कोई मतलब नहीं निकला, उन अधिकारियों से बात किया एस पी आर ब्रजेश सिंह साहब से, लेकिन उनके बातों में मेरे कोई दम नहीं लगा कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था मुहिम कराएंगे। ये बोले हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन इनको बातों से हमको यकीन नहीं हो रहा कि ये बात सही कह रहे हैं कि हमको बस
एक धाधक एक धीरज धरा रहे हैं सिर्फ के, हमको यही लग रहा है अपने बातों सिर्फ धीरज धरा रहे हैं और इन बातों से हमको कोई विश्वास नहीं है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है अगले आने वाले घंटों में, समय में क्या हो जाए भगवान जाने। इसलिए मेरे को, मैं यही चाहता हूँ मेरे को सुरक्षा व्यवस्था और मेरे परिवार को सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। इस पर कोई अगर कार्रवाई मेरे खिलाफ हुई तो इसके खिलाफ पुलिस वाले पूरे आरोपी होंगे। खलनायक पनी खाकी का भेद खुलना बेहद जरूरी था। बारी इस बार फौजी भाई हनुमान सिंह की थी। छुट्टियों पर आए फौजी ने मीडिया के संज्ञान में मामला पहुंचाया तो बात आला अफसरों के कान तक गई, और जब गई तो आरोपी दलाल सिपाही रणविजय यादव समेत सिपाही शिव सिंह यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया। मगर ना तो थाना प्रभारी ब्रजेश पर कार्रवाई हुई और ना ही एसपी ग्रामीण पर, जो रिश्वत के इस गोरख धंधे में बराबर के हिस्सेदार थे। जवाबदेही बनी थी प्रभारी एसएसपी की, तो जरा सुनिए साहब ने क्या दावा किया। प्रकरण अभी अभी हमारे सामने आया है आपके माध्यम से, और इस संबंध में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया, दो सिपाहियों ने उसे उसके भाई को छोड़ने के एवज में पैसे लिए हैं। इस संबंध में दोनों सिपाहियों को भी हम तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर रहे हैं और इसमें एक अधिकारी के स्तर की जांच गठित कर दी जाएगी और उस जांच के माध्यम से जो भी सामने आएगा इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी फुटेज है वीडियोज है वो हमने ले लिए हैं और आगे इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में थाने के भीतर फरियादियों से घूस लेने का घिनौना धंधा फल फूल रहा है। सिपाही अपने सीनियर अधिकारियों की जेब गर्म करने की बात करते हैं। साहब अगर जिम्मा पुलिस कप्तान का मिला है तो हवाला जांच का मत दीजिए, लाइन हाजिर अगर सजा का हिस्सा है तो उससे ऊपर उठिए। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती और ना ही जांच की। दरकार इस बात की है कि जितने भी इस खेल के खिलाड़ी हैं उन्हें उनके पद से मुक्त किया जाए, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जो वर्दी के दामन पर किसी दाग से कम नहीं। हरेन दुबे, गोरखपुर समाचार प्लस। स्याहर आप में एक परिवार नींद के आगोश का हिस्सा बना था, लेकिन घर की दहलीज के बाहर कोई था जो घिनौना मकसद पूरा करने की फिराक में था, और वही हुआ उस परिवार के साथ जिसका डर उन्हें था। आप भी देखिए कौन था घर के दरवाजे के बाहर जिसने दरवाजा खुलते ही राजधानी लखनऊ पुलिस की नींद उड़ा कर रख दी। राजधानी लखनऊ के थाना पारा गांव बतौरा के रहने वाले जिस परिवार की बेबसी से आपका सामना कराने वाले हैं, वहां उनकी खुशियां बर्बाद हो चुकी है। उनका सम्मान मिट्टी में मिला दिया गया है। घर के मुखिया बेहद आहत कि आज उनकी इज्जत कही जाने वाली बेटी पर क्या गुजर रही होगी। सिर पर पट्टी बांधे अपनी किस्मत को कोसते पिता को एक बात बार बार परेशान कर रही है कि डकैत सब कुछ लूट ले जाते, जान भी छीन कर चले जाते तो शायद इतना अफसोस नहीं होता जितना इस बात को लेकर हो रहा है कि 11 साल की बच्ची से ऐसी हैवानियत क्यों। जी हाँ, इस पिता के आंखों में यश इस मलाल में फूट फूट कर निकल रहे हैं कि उनकी बच्ची की क्या खता। एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जन की तादाद में आए डकैतों ने डंके की चोट पर इस परिवार से मारपीट की, बंदूक के बल पर कीमती जेवर और घरेलू चीजें लूटी और जाते जाते बेटी को उठा लिया। जहां सभी शैतानों ने मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का घिनौना खेल खेला, ये परिवार इतना बेबस कभी नहीं हुआ जितना उस वक्त था। बेटी की चीखें कान तक आ तो रही थी लेकिन वक्त के आगे मजबूर ये पिता कुछ ना कर सका, बस सिर पर जख्म लिए अपनी किस्मत को कोसता रहा। हुआ रहा कि रात में यहाँ पांच लोग कहने लगे कि मन उधर चोरी हो रही इधर खोलो, तो हम कह के काहे को का बात है काहे खोले, कला अभी घोसड़ी के खोलोगे अभी। लोग वो लोग 12-13 आदमी थे। आपकी लड़की को जैसे कहा जा रहा कि रात में लेके गए थे, कहाँ ले गए लड़के, कहाँ गए रहे? जब हम जब पल्ला तोड़ चुके हैं जब हम लोग भागे हैं तब वो उसको लड़की को पकड़ लिया है, तब घोराया है। कब लड़की आपकी मिली है? लड़की कब आधा घंटा बाद मिली है। फायरिंग भी करी थी क्या? हाँ फायरिंग भी। किसको किसको मारा? हमका मारन, हम पत्नी मारन, बच्चे मारन।
चीखती चिल्लाती बेटी की आवाज पिता के कानों तक गई तो किसी तरह से पिता ने बाग की तरफ रुक किया। करीब पहुंचा तो खेत में बच्ची बेसुध पड़ी थी, जिसे बदकिस्मत पिता अपनी बाहों में समेटे हॉस्पिटल पहुंचा। बच्ची का इलाज चल रहा है और दूसरी तरफ मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली है। क्राइम ब्रांच की मदद से हर संभव सुराग ढूंढे जा रहे हैं, जिससे कि रेपिस्ट डकैतों का सुराग मिल सके, जिन्होंने नींद की आगोश का हिस्सा बने परिवार को बंदूक के बल पर जख्मी किया और उनकी इज्जत भी लूट ले गए। पहले लाया बाहर ला के रहे मम्मी के हमारे, फिर मम्मी फिर ऐसे कही क्या धोते खुल गया रहा, धोते मम्मी वैसे भाग गए, फिर हाँ तुरते मम्मी ऐसे भाग गए, फिर पापा कह रहे मारे नहीं पर सिर पर पहना खपड़ी पर तुरते खपड़ी टूट गई पहना पापा खपड़ी पर मार कह रहे बाद में हाँ पापा ऐसे भाग गए, हम तीन लोग बचे थे, दीदी को ऐसे ले गया, हम लोग भागे पीछे पीछे जाते थे, तुरते मार के हमारे लात मारी, मार के बाद में हम लोग भाग लिया था, दीदी को लेके उधर चले गए। माँ बाप भाई बहन को अपनी आंखों के सामने पिटता देखता ये लड़का कुछ ना कर पाया। बाजुओं में जान होती तो एक बार के उन दरिंदों को उन्हीं की जुबान में जवाब देता, लेकिन बच्चा कुछ ना कर पाया, बस मूक दर्शक बना रह गया। डकैत डंके की चोट पर उत्पात मचाते रहे, गरीब घरों को भी खंगालते रहे। तो बेलन तोड़ देने, बेलन तोड़ने तो भीतर वाला कुंडा गा खुली, तो ये लोग अंदर तेरे घुसे हैं, तो दो लोग आदमी घुसे हैं, तो वो आदमी जो घर में रहते रहा है आसाराम शर्मा, तो वे अंदर तेरे दो आदमी के यहाँ बाहर धकिया हुआ है, और धकिया के यहाँ जब आदमी तीसरा आदमी आवा है तो वो खपड़ी पड़ते बेलचा मार देने, खपड़ी फाटी गई है, तो उनकी बीवी के यहाँ खैच के यहाँ अंदर तेरे बाहर घुमा रहा, लड़की के यहाँ उठा के यहाँ लेके गए हैं, वो छोटा लड़का उसका रहा बहन का, तो लेके यहाँ से गया, तो बहन की सोच रही कि कहाँ जा रहे देखिए का हम, तो वही लोग हुआ तेरे लड़का के लात मार देने, तो लड़का छिपेगा डरिंग मारे और बहन के लिए चले गए। पुलिस के लिए परेशानी यही है कि जिन डकैतों ने बुलंदशहर की यादों को ताजा किया, क्या वो राजधानी लखनऊ में सक्रिय हैं या फिर किसी दूसरे जनपद के रहने वाले हैं। पुलिस हर एंगल से इस केस की पड़ताल में जुटी हुई है, क्योंकि मसला राजधानी की कानून व्यवस्था से जुड़ा है और तस्दीक इस बात की हुई कि पुलिस के हाथ से कानून की लगाम छूट कर अपराधियों के हाथ में जा पहुंची है, जिसे दरिंदे डकैत मन माफी खींच रहे हैं और पुलिस बेजान है। उनकी एक 12 वर्षीय बच्ची थी जिसको बदमाश ले गए और करीब 500-600 मीटर दूर खेतों में फिर उन्होंने उस बच्ची के साथ गलत काम किया है। मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मेरी बच्ची से भी बात हुई है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, फिलहाल वो ठीक हैं और उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया है। इसमें डकैती और गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और ब्लाइंड केस है, अभी एक्यूज्ड इसमें अननोन है, लेकिन हमने अपनी सारी फॉरेंसिक टीम जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, हमारे क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस की टीम, सबको इसमें लगा दिया है। डकैती के बाद गैंगरेप की वारदात ने पूरे लखनऊ को सोचने पर विवश कर दिया है कि आम जनता अपने घर के भीतर कितनी सुरक्षित है, क्या पुलिस जानती है? अगर हाँ तो फिर बेलगाम हुए अपराधियों पर पुलिस का जोर क्यों नहीं चल रहा? क्यों हर वारदात के बाद पुलिस बस दावा करती है और बदमाश एक के बाद एक वही खौफ की कहानी उकेरते चले जाते हैं। आर के पास लखनऊ समाचार। भगवान की भक्ति में लीन उन दो साधुओं की यही कोशिश थी कि उनकी पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति में गुजर जाए, लेकिन मंदिर की सेवा में दिन रात एक करने वाले साधुओं को क्या पता था कि जिस ईश्वर की उपासना में वो दिल से जुटे हैं, उसी भगवान के सामने उनके भक्तों की हस्ती मिटा दी जाएगी। रोजमर्रा की तरह इस मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा हुआ था कि अचानक मंदिर के भीतर लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें गूंजी, बदहवास भागते हुए कुछ मंदिर से बाहर, जिनकी सुबह से एक बात बार बार निकल रही थी, खून खून
और जैसे ही स्थानीय लोगों ने मंदिर की दहलीज लांघी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जहां एक नहीं दो पुजारियों की हस्ती हलाक हो चुकी थी। सामने भगवान की प्रतिमा, उनकी आंखों के सामने उनके भक्तों की रगों से बहाया गया लहू, पुजारियों के शरीर से निकला खून का एक एक कतरा गवाही उस पल की, जिस वक्त किसी ने उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। तब तक जिस्म पर वार करते रहे जब तक दोनों पुजारियों ने दम नहीं तोड़ दिया। खून से सनी दोनों लाश को देख हर कोई खौफ से भरा है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अफसर भी वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोहरे हत्याकांड की वजह क्या है। बस यह है खोपड़ी पे ईटा से मतलब मारा रहा सारा भाई, मने ही तो हमने देखा सब पूरी फोर्स रही। कितने लोग मार दिए गए थे, कितने बाबा लोग थे? दो बाबा खाली। गौतमपुर के रहने वाले पुजारी सीताराम और आदिलपुर के बाशिंदे पुजारी चंद्रमणि पूरी शिद्दत से भगवान की पूजा अर्चना करते थे। उनकी किसी से कोई अदावत नहीं थी, भला किसी पुजारी की किसी से क्या बन रही होगी, यही बात हर कोई सोच रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मंदिर में किसी तरह से लूटपाट हुई हो और जब पुजारियों ने विरोध किया तो उनकी ईंट पत्थरों से कुचल कर निर्मम हत्या कर दी गई। यहीं आके रहते थे और सोते थे क्योंकि मंदिर बनवा रहे थे, इसी वजह से उसी के दान वान वगैरह, और घर में केवल मामा रहते थे तो कोई खाना वाना बनाने का था नहीं, तो दोनों वो यहीं आके रहते थे। वहाँ घर जाके कभी कभी खाना वाना खा लेते थे यहीं से, कि बुजुर्ग आदमी है कि बात करेंगे रात को सोएंगे अच्छे से, इसी वगैरह से यहीं से रहते थे और यहीं मंदिर बनवा रहे थे और आज हादसा हुआ, आप देख ही रहे हैं। लेकिन इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि पुजारी मंदिर के माहौल को लेकर बड़े पाक साफ थे। जो नशेबाजों से परेशान थे, जो अक्सर मंदिर के आसपास ड्रग्स का सेवन करते थे, ऐसे में शक उन पर भी जा रहा है कि कहीं उन्हीं में से किसी एक स्मैक लेने वाले ने ये खूनी कहानी तो नहीं गढ़ी। मंदिर देखा, इसमें चंद्रमणि मिश्रा रहते थे और साथ में उन्हीं के एक साथी सीताराम कुटिया बना करके, और रात्रि की घटना है जिनकी मृत्यु ईंट मार करके सर पर की गई है, कि कहीं किसी से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन फिर भी घटना का क्या मोटिव हो सकता है उसकी ओर हम लोगों का ध्यान है और इसको हम जल्दी ही वर्कआउट करके मुजरिमों की गिरफ्तारी करेंगे। दोनों पुजारियों की हत्या से हर तरफ हड़कंप मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात का हवाला दे रही है और दावा कर रही है कि जल्द से जल्द केस को वर्कआउट किया जाएगा, लेकिन दोहरे हत्याकांड की वारदात पुलिस के लिए एक चैलेंज है, जहां ना तो कोई सुराग है और ना ही सबूत कि कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या है। अखिलेश सोनी, अमेठी, समाचार।